ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में ऋतिक ने कंगना रनौत के खिलाफ 29 पेज की कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। रिपब्लिक वर्ल्ड काम के मुताबिक इस कंप्लेंट में वो ईमेल्स भी रिवील किए गए हैं जो कंगना ने ऋतिक को भेजे थे। बता दें कि कंगना पर आरोप लगाया गया है कि वे ऋतिक को भद्दे ईमेल करती थीं। ऋतिक की ओर से उनके वकील महेश जेठमलानी ने मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही पुलिस को ऋतिक ने अपने फोन और लैपटॉप भी सौंप दिए हैं। आइए जानते हैं कि कंगना ने ऋतिक को ईमेल के जरिए क्या कहा है। 13 जुलाई 2014 को किए ईमेल में कंगना ऋतिक से कहती है, मैं तुम्हें अगला मेल करने से पहले जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे मैसेज कहाँ और कैसे रिसीव करना चाहोगे। क्या तुम कोई दूसरा अकाउंट यूज करोगे या हम टेक्स्ट मैसेज ही करें। मैं हर चीज में ओके हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करें और इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को जज किए बिना सिर्फ अपने कंसर्न और वरीज को लेकर बातचीत करें। मैं सारी बातचीत अपने तक ही रखूंगी। रंगोली या अपनी मॉम को भी नहीं बताऊंगी कि हम बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारा ट्विटर अकाउंट भी विजिट नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज या ईमेल करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मैसेज सोशल मीडिया पर कोई भी देखे। ऋतिक को कंगना ने 15 अगस्त 2014 को किए मेल में लिखा है, क्या प्लान है बेबी। जब तुम्हारे पास दूसरी आईडी थी तो तुम कम से कम बात तो करते थे। तुम्हारी खामोशी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। तुम दूसरी आईडी क्यों नहीं बना लेते। मैं तुम्हारी इस आईडी से मेल रिसीव नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम दूसरी आईडी से मेल कर सकते हो तो क्यों नहीं करते। मैं खुद और ज्यादा बात नहीं कर सकती। ऋतिक को कंगना ने 15 अगस्त 2014 को किए मेल में लिखा, क्या तुम्हें ये अजीब तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें उस मेल पर मैसेज कर रही हूँ जिस पर तुम काम करते हो। अगर तुम्हें अजीब लगता है तो एक अलग आईडी बना लो जिस पर आसानी से बात की जा सके, क्योंकि काम की और रोमांटिक बातें एक ही आईडी पर करना मुश्किल होता है। दोनों मेल मिक्स हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ बेबी, क्या मैं पुरानी मेल आईडी पर ही आगे से मेल करूँ। क्या तुम उसे दोबारा एक्टिव कर सकते हो। 17 अगस्त 2014 को कंगना ने ऋतिक को मेल कर लिखा, कभी कभी मुझे किसी भी पर भी यकीन नहीं होता है। क्या हमारा प्यार सच्चा या फिर सिर्फ दिखावा है। क्या हमारे बीच वाकई प्यार है या फिर मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो काल्पनिक है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। या हमारे बीच प्यार सिर्फ दिखावा है। क्या कभी ऐसा भी सकता है कि हम किसी दिन मिलें और तुम कहो कि तुम्हें मेरा कोई मैसेज नहीं मिला, या फिर तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं था। फिर मैं क्या करूंगी। मैं इस हादसे से कभी भी उबर नहीं पाऊंगी। क्या मुझे दोबारा ये सब करने का मौका मिलेगा, या फिर मेरी जिंदगी के सारे सपने टूट जाएंगे। ये सब सोचकर मैं डर जाती हूँ।